ये है एक पावरफुल टेस्ला कॉइल। इसे बनाने के लिए 10 सेंटीमीटर का पीवीसी पाइप कट कर लेना है। फिर इसके बाद में 27 गेज का कॉपर वायर लेना है। मोटर वाइंडिंग शॉप से आपको इजीली मिल जाएगा। कॉपर वायर को पीवीसी पाइप के ऊपर वाउंड कर लेना है। अगर आपको 27 गेज का कॉपर वायर नहीं मिलता है तो आप 25 से लेकर 30 के गेज में कौन सा भी कॉपर वायर यूज कर सकते हो। कॉपर वायर के 300 टर्न्स लगे, वाइंडिंग कंप्लीट कर दी है। तो चलिए पाइप को किसी भी बेस के ऊपर चिपका देते हैं। तो गाइस अभी जो हमने पीवीसी पाइप के ऊपर कॉइल बनाई वो है सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल बनाने के लिए थोड़ा सा मोटा कॉपर वायर यूज करना पड़ेगा। प्राइमरी कॉइल के 3 टर्न्स लगाकर सेकेंडरी कॉइल के बीच में डाल देना है कुछ इस तरह से। सो नेक्स्ट कंपोनेंट है 2N222 ट्रांजिस्टर और 2.2 किलो ओम रेजिस्टर। तो चलिए अभी सर्किट डायग्राम को देख के कनेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप भी बनाते हो तो सर्किट डायग्राम को देख के ही कनेक्शन करना। सप्लाई देने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ 3.7 वोल्ट लिथियम बैटरी। ज्यादा वोल्टेज मत देना वरना ट्रांजिस्टर हीट करेगा। तो चलिए अभी किसी भी राउंड सरफेस के ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल लगा के पीवीसी पाइप के ऊपर चिपका देते हैं। तो चलिए अभी टेस्टिंग कर लेते हैं। जैसे ही कॉइल की विसिनिटी में सीएफएल लेके जाते तो सीएफएल ग्लो करेगा। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।